एक बार फिर रुख करेंगे ऐवान सदर का, जहां पर वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पुत्र पाक इस्तकबाल किया गया और अब मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ऐवान सदर में मौजूद हैं मुअज्जज मेहमान और वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, काबीना के अरकान, चेयरमैन सेनेट, सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शिबली फराज और कौमी असम्बली के स्पीकर भी मौजूद हैं और दीगर डिग्निटरीज भी यहां पर मौजूद हैं। यहां पर एक पुरतकल्लुफ जहराने का एहतमाम किया गया है, एक तकरीब भी मुनक्किद की गई है जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुअज्जज मेहमान को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, ये पीछे मागला की खूबसूरत पहाड़ियां बैकग्राउंड में और आगे आते हुए प्रेसिडेंशियल गार्ड्स के प्रोटोकॉल में सदर ऐवान सदर की जानिब मुअज्जज मेहमान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बग्गी में सवार हुए, उनके साथ वजीर आजम इमरान खान। जब ऐवान सदर पहुंचे तो सदर मुमलिकत ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, वजीर इत्तला फवाद चौधरी भी मौजूद थे इस मौके पर और अंदर एस्कॉर्ट किया गया जहां पर बच्चों